नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों को देखते हुए स्कूल कॉलेजेस को खोलने का सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कई राज्यों में तो क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं। अब इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने भी प्रदेश में स्कूलों और कॉलेज को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। राजधानी में 1.5 साल बाद आज से एक बार फिर स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। हालांकि स्कूलों को ध्यान रखना होगा कि एक बार में 50% से ज्यादा उपस्थिति नहीं हो। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल और कॉलेज खुलने के मद्देनजर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षाएं हाइब्रिड तरीके से चलाई जाएं, जिसका मतलब है कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। स्कूल खुलने पर किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि उसके सारे स्टाफ को वैक्सीन लग चुकी है। बता दें कि प्रदेश में करीब 58% शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी टीके की कम से कम एक खुराक ले चुके हैं। जारी निर्देशों के अनुसार स्कूलों में बच्चे अपने भोजन किताबों को साझा नहीं करेंगे। साथ ही सभी बच्चों और टीचर्स को मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। दिशा निर्देशों में डीडीएमए ने कहा है कि 2 शिफ्टों में चलने वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट के खत्म होने और दूसरे शिफ्ट के शुरू होने के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। इसी तरह अन्य सभी शैक्षणिक संस्थाओं को भी बैच और पालियों में अंतराल को कायम रखना होगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड हालात में सुधार के मद्देनजर 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूलों में दोबारा कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की थी। हालांकि महामारी के बाद ऐसा पहली बार है जो 8वीं कक्षा तक के स्कूलों के लिए स्कूलों को दोबारा खोला जा रहा है। इसके अलावा आज से ही सिनेमाघरों को पूरी क्षमता से खोले जाने की घोषणा भी की गई है। दिल्ली में 100% सिटिंग कैपेसिटी के साथ सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खुल सकेंगे। इसके पहले सिनेमाघरों को सिर्फ 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ ही खुलने की इजाजत थी। दरअसल कोरोना के लगातार कम होते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आज से प्रदेश में छूट बढ़ाई है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार शादी समारोह या किसी गैदरिंग में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। अभी तक 100 की ही इजाजत थी। हालांकि रेस्टोरेंट, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल में अब भी 50% क्षमता के साथ ही संचालित ये सब किए जा सकेंगे। रोम में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन में सिलसिलेवार बैठकों में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंच गए हैं। ग्लासगो में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी है भारत का गहना गाना भी गाया है। अपने यूरोप दौरे के दूसरे पड़ाव में पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के रूपरेखा समझौते के लिए पक्षकारों के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन के इतर वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय संवाद भी करेंगे। ये प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी की पहली स्कॉटलैंड यात्रा है। ग्लासगो में वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए स्कॉटिश इवेंट कैंपस में होने जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के रूपरेखा समझौते के लिए पक्षकारों के 26वें शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के सम्मेलन में पीएम मोदी समेत 120 विभिन्न सरकारों के प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। मंगलवार तक की अपनी 3 दिवसीय ब्रिटेन यात्रा के दौरान मोदी COP26 सम्मेलन को संबोधित करेंगे और सोमवार को दोपहर बाद एक सत्र में भारत की जलवायु कार्रवाई योजना के बारे में राष्ट्रीय बयान जारी भी किया जाएगा। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रोम में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन को फलदायी करार दिया। उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने वैश्विक महत्व के अहम मुद्दों जैसे कि महामारी से लड़ाई, स्वास्थ्य संरचना में सुधार, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और नवोश में विस्तृत चर्चा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, रोम में G20 फलदायी शिखर सम्मेलन के बाद ग्लासगो के लिए रवाना हो रहा हूं। सम्मेलन के दौरान हम वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे और स्वास्थ्य और संरचना में सुधार, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और आगे के नवोन्मेष पर विस्तृत चर्चा की सकेगी। G20 में भारत के शेरपा पीयूष गोयल ने रविवार को बताया कि G20 नेता इस बात पर सहमत हुए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन COVID-19 टीके को आपात मंजूरी देने की प्रक्रिया को तेज करने से मजबूत होगा। लालकुआ में उपजिलाधिकारी मनीष कुमार ने नोतवाल संजय कुमार के साथ सेंचुरी पेपर मिल से निकल रहे केमिकल युक्त जहरीले नाले का निरीक्षण किया है। उपजिलाधिकारी मनीष कुमार ने बिंदुखत्ता के घोड़ानाल, बोरिंग पट्टा सहित संबंधित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया।
उपजिलाधिकारी मनीष कुमार ने मौके पर ही गंदे नाले की वीडियोग्राफी पर अधिकारियों को केमिकल युक्त पानी की सैंपलिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर केमिकल युक्त पानी की सैंपलिंग के निर्देश यहां पर उपजिलाधिकारी देते हुए नजर आए हैं और यहां पर पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आए हैं। जितना भी यहाँ पर पानी है जो मिलों से निकल रहा है उनकी सैंपलिंग की गई है, इसके वीडियो भी ग्राफी की गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि जो भी जहाँ पर भी केमिकल का पानी साफ पानी में मिल रहा है उस पर ध्यान दिया जाए और इसको रोका जाए। नैनीताल के क्षेत्रों में जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने तल्ला रामगढ़ आपदा प्रभावित क्षेत्र रामगढ़ तल्ला बाजार का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित को घर घर जाकर सहायता चेक वितरित किए हैं। जिलाधिकारी गब्रियाल ने आपदा से प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी है और तुरंत समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही साथ मौके पर संबंधित अधिकारियों को कहा है कि जितने भी लोगों की समस्याएं हैं उन्हें तुरंत सुना जाए। उन्होंने रामगढ़ जमरानी लाले से हुए रामगढ़ तल्ली बाजार में घरों दुकान को हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का यहां पर जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वितरित किए गए प्रभावितों को सहायता चेक यानी कि सहायता चेक के माध्यम से इनकी मदद की जा रही है और जितने भी अभी भी प्रभावित हैं उनको भी आगे हर संभव मदद का ऐलान यहाँ पर किया गया है। तो नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा जिलाधिकारी करते हुए नजर आए हैं। जितने भी दुकानदार हैं या जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन सभी से मुलाकात की, हर संभव मदद का यहां पर भरोसा भी दिलाया है। रुड़की के त्रिपुरा में पिछले एक सप्ताह से हो रहे नरसंहार आगजनी को लेकर आजाद समाज पार्टी ने बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जल्द ही आंदोलन की चेतावनी दी है। मंगलौर के आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता काजी मोनिस ने कहा और एक प्रेस वार्ता की कि पिछले एक सप्ताह से त्रिपुरा में एक समुदाय के मकान धर्मस्थल जलाए जा रहे हैं जिसमें बीजेपी सरकार की साजिश साफ नजर आती है। हालांकि इस मामले में त्रिपुरा के हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया पर सरकार की मंशा इस मामले में ठीक नजर नहीं आती, जिसको लेकर उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार वहां के हालात को या तो जल्द ही काबू में करे नहीं तो आजाद समाज पार्टी इस मामले में आंदोलन को बाध्य कर सकती है। बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा पंडाल का एक मामला होता है जिसकी वीडियोज और फुटेजेस हिंदुस्तान में सर्कुलेट की जाती हैं। किसी दूसरे मुल्क के अंदर होने वाली घटना के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर कुछ हिंदू आउटफिट्स जो हैं, जो फंडेड एंड ऑपरेटेड हैं, जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उनके द्वारा हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले किए जाते हैं, मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, लोगों के घर जलाए जाते हैं। हालांकि आज त्रिपुरा के हाईकोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है। तलापत्रा साहब हैं और महंती साहब हैं जस्टिस, उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया है और कहा है, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है और कहा है कि इसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन ये वायलेंस चलते हुए पिछले महीने की 26 तारीख से चल रहा है वायलेंस। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति में चार धामों से 9 सदस्य नामित किए गए हैं। सचिव धर्मस्व हरीशचंद सेमवाल ने नामित सदस्यों के आदेश जारी किए। तीर्थ पुरोहितों की देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग पर सरकार ने पूर्व राज्यसभा सांसद मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति में चार धामों से तीर्थ पुरोहितों को सदस्य नामित करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद शासन ने समिति में 9 सदस्य नामित करने के शासन आदेश जारी किए। बद्रीनाथ धाम से विजय कुमार ध्यानी को नामित किया गया है। 25 अक्टूबर को समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देवस्थानम बोर्ड पर अंतरिम रिपोर्ट भी सौंपी थी। तो उच्च स्तरीय समिति में चार धामों से 9 सदस्य नामित किए गए हैं। देवस्थानम बोर्ड पर अंतिम रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई है, जिसको लेकर चर्चा भी लगातार की जा रही है।
उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रुद्रपुर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। नगर निगम की तरफ से रुद्रपुर के 40 वार्डों में फॉगिंग भी कराई जा रही है और डेंगू के मच्छर ना हो इसके लिए भी दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रुड़की में डेंगू ने सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसी को देखते हुए रुद्रपुर नगर निगम प्रशासन की तरफ से डेंगू से बचाव के लिए शहर में फॉगिंग ब्लीच पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है ताकि डेंगू के मच्छर ना हो सके और लोगों को डेंगू से बचाया जा सके। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में 5 फॉगिंग मशीनों से शिवनगर, संजय नगर, खेड़ा कॉलोनी, रविंद्र नगर, फूलसुगा में फॉगिंग कराई गई है ताकि क्षेत्र की जनता को डेंगू के प्रकोप से बचाया जा सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, डेंगू से बचाव को लेकर नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। 40 वार्डों में फॉगिंग कराई जा रही है। दरअसल क्षेत्र में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे थे जिसको लेकर ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट है, जगह जगह पर फॉगिंग कराई जा रही है। उत्तराखंड के जो रुड़की है उसमें डेंगू ने पैर पसार रखा है। इससे सजगता के और सावधानी के लिए हमने अपने वार्ड, अपने नगर निगम क्षेत्र में दवाई और फॉगिंग करवा रहे हैं जिससे कि डेंगू का प्रकोप हमारे नगर निगम क्षेत्र में ना हो सके। अभी कुछ दिन पहले हमारे वार्ड में, हमारे आसपास जो है बाढ़ आई थी, आपदा आई, उससे जो कि पानी भरा था और जिससे डेंगू का खतरा बढ़ गया था। इसीलिए हमने अपने वार्ड को बचाने के लिए और हमारा नगर निगम सतर्क है जो कि फॉगिंग और वैक्सीन दवाई डलवा के हमारे लोगों को, हमारे बाढ़ के, हमारे नगर निगम के बाढ़ के लोगों को बचाया जा सके। हरिद्वार में भोजन माता संगठन ने वेतन वृद्धि और न्यूनतम वेतन लागू करने को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि प्रदेश में स्कूलों में बच्चों के भोजन की व्यवस्था के लिए भोजन माताओं को नियुक्त किया गया है जिन्हें 2000 रुपए का वेतन दिया जाता है और काम पूरे 8 घंटे कराया जाता है। हरिद्वार में भोजन माता संगठन ने भगत सिंह चौक से लेकर मजिस्ट्रेट कार्यालय तक इस नियमावली के विरोध में जुलूस निकाला जिसमें भोजन माताओं का कहना है कि हमारा वेतन सिर्फ 2000 रुपए है जबकि जुलाई महीने में शिक्षा मंत्री की तरफ से 5000 वेतन देने की घोषणा की गई थी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन यहां पर निकाला गया है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। दरअसल भोजन माताओं ने यहां पर ये विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि हमसे 8 घंटे काम कराया जाता है और सिर्फ हमारा जो वेतन है वो 2000 रुपए है जबकि मुख्यमंत्री ने घोषणा 5000 रुपए के लिए की थी लेकिन उसके बावजूद भी हमारा वेतन नहीं बढ़ाया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसको लेकर हरिद्वार में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। एक घोषणा की थी कि भोजन माताओं को 5000 रुपये मानदेय दिया जाएगा लेकिन जुलाई से लेकर अभी तक अक्टूबर की लास्ट डेट है, हमें प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है कि अभी तक भोजन माताओं को 5000 रुपये नहीं दिया गया। लेकिन जो हमारी मांग है, जो हमारी लंबी लड़ाई है, वो 18000 न्यूनतम वेतन और भोजन माताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और पूरा टाइम भोजन माताओं से स्कूल में काम लिया जा रहा है लेकिन 2000 रुपये मात्र दिया जा रहा है। और लंबे टाइम से भोजन माताएं संघर्ष कर रही हैं लेकिन सरकारें सुनने को तैयार नहीं है और हम चाहते हैं कि अगर सरकारें हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, हमारी मांगों को नहीं पूरा करते हैं तो पूरे उत्तराखंड के जितनी भी 25000 के लगभग भोजन माताएं स्कूल में कार्यरत हैं और वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती बुखार के 12 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इनमें आगरा और फिरोजाबाद के 4-4 मरीज हैं, हाथरस के 2 और एटमनपुरी के 1 मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि 4 नए मरीज मिलने पर आगरा में डेंगू के मरीजों की संख्या 588 हो गई है। वहीं 4 मरीजों की डेंगू से मौत हो गई, साथ ही इनमें से 288 मरीज ठीक हो चुके हैं। लखनऊ में बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला आलमबाग के चिक चिक रेस्टोरेंट का है जहां बदमाशों ने रेस्टोरेंट कारोबारियों को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं इलाज के दौरान कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस ने 2 हत्यारोपी को अरेस्ट कर लिया है। लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। रेस्टोरेंट कारोबारी को बदमाशों ने गोली मार दी है, इलाज के दौरान कारोबारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कस्टमर और जो रेस्टोरेंट मालिक था किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने रेस्टोरेंट कारोबारी को गोली मार दी जिससे
उसकी हालत गंभीर हो गई। तुरंत अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन जहां उसने दम तोड़ दिया। तो लखनऊ का ही पूरा मामला है, जहां पर रेस्टोरेंट कारोबारी को बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और जिसकी तस्वीरें रोजाना सामने आती हैं। गाजियाबाद के थाना इंद्रपुरम इलाके में चोरों ने एटीएम को निशाना बनाया है। वहीं एटीएम की चोरी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच करने में जुट गई है। वहीं इंद्रपुरम पुलिस का दावा है कि एटीएम से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, एटीएम में सारे पैसे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई, लेकिन पुलिस का कहना है कि छानबीन में एटीएम से एक भी पैसा गायब नहीं हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर ये शख्स अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन की गई, तो एटीएम से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, एक भी पैसा वहां से गायब नहीं हुआ। मथुरा में क्राइम की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें चार बदमाश भागने में सफल रहे। वहीं एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद घायल को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। साथ ही पुलिस बाकी भागे हुए बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो मथुरा का एक पूरा मामला है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, बाकी बदमाश भागने में कामयाब रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि मथुरा में पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया है। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जो बाकी साथी हैं इसके, वो भागने में कामयाब रहे हैं। और अब खबर अमेठी से है, जो अमेठी जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश पर जिला क्रीड़ाधिकारी विमल सिंह की ओर से लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ रामनगर से जिला क्रीड़ा अधिकारी और पुलिस विभाग के आरआई की ओर से हरी झंडी दिखाकर किया गया। साथ ही इसका समापन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम पर किया गया। इस दौरान विनर प्रतिभागी खिलाड़ियों को क्रीड़ा अधिकारी विमला सिंह ने इनाम भी दिया है। क्रीड़ा अधिकारी विमला सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता लोह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के मौके पर रन फॉर यूनिटी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और इसका उद्देश्य है कि राष्ट्र को अखंड और मजबूत बनाने के लिए साथ सब लोग स्वस्थ भी रहें और साथ रहें। तो मीठी की तस्वीरें, रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का यहां पर आयोजन किया गया था। क्रीड़ा अधिकारी ने कार्यक्रम को हरी झंडी देकर रवाना किया था। जो खिलाड़ी इसमें जीते हैं उनको सम्मानित भी किया गया, उन्हें पुरस्कार भी दिए गए हैं। राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए, इसकी हमारी एकता हमेशा बरकरार रहे, इसलिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म शताब्दी अवसर पर। जी सर, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष में ये राष्ट्र के लिए दौड़ हुई थी, जिससे हम लोग प्रतिभाग हुए थे और जीता भी है, इनाम भी है, ये टी शर्ट पाए हैं। और राष्ट्र के लिए दौड़ने से हम लोगों का शरीर भी स्वस्थ रहता है और ढेर सारी बीमारियाँ से दूर रहती हैं। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहीं इस मौके पर समाधान शक्ति सामाजिक संस्था की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही इस दौरान खेलकूद के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गाजियाबाद की तस्वीरें, सरदार पटेल की जयंती यहाँ पर धूमधाम के साथ कल मनाई गई। कई कार्यक्रमों का यहाँ पर कल आयोजन भी किया गया था। मतलब बहुत अच्छा लगता है, और सरदार पटेल जी की जयंती पर ये 10वीं बार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें खेल भावनाओं को प्रोत्साहित करना और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है कि साहेबाबाद के जो अच्छी टीमें हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको प्रोत्साहित करें। और सरदार पटेल जी
एक ऐसे नेता थे देश के प्रथम गृह मंत्री जिन्होंने छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़ा अखंड भारत देश की गठन किया, इसलिए हम उनको याद करते हैं। देखिए 10 साल पहले ये कार्यक्रम शुरू किया गया। भारत के अंदर जो सरदार पटेल की जो भूमिका और सावरकर की जो भूमिका थी उसको सरकारी इतिहास से आइसोलेट किया गया और ये पूरे भारत के साथ, न केवल उनके साथ बल्कि पूरे भारत के साथ बड़ा अन्याय हुआ कि देश की जनता को ये नहीं पता कि 1950 में ही सरदार पटेल ने ये कह दिया था कि चीन से हमें खतरा है और 1962 में हजारों नौजवानों को हमारे को खून बहा करके और 1,00,000 किलोमीटर जमीन हमारी कब्जा ली गई। काश सरदार पटेल की बात नेहरू जी ने सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में लोकल फॉर वोकल जरूर कहते हैं, लेकिन लोकल फॉर वोकल से किस तरह से भारत में काम किया गया है और किस तरह से जो बड़ी बड़ी मशीनें विदेशों से बड़े पैमाने पर मंगाई जा रही थी उनको अब भारत में बनाया जाने लगा है और लोग अब बड़ी आसानी से उन्हें खरीदने भी लगे हैं। इसी विषय पर गाजियाबाद के संयुक्त आयुक्त उद्योग अधिकारी से हमारे संवाददाता की बातचीत हुई है, सुनिए। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों में अक्सर सुना होगा लोकल फॉर वोकल, लेकिन ये होता क्या है, इसको किस तरह से किया जाता है, इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं संयुक्त आयुक्त उद्योग के अधिकारी, इनसे हम जानते हैं। सर, किस तरह से लोकल फॉर वोकल को लेकर गाजियाबाद में मुहिम चलाई जा रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो थीम है लोकल फॉर वोकल, तो उसके लिए जो हमारे ऐसे उत्पाद जिनको हम कभी बाहर से मंगाते थे अब हम अपने जनपद में, अपने प्रदेश में, अपने देश में निर्मित करते हैं और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी उन्हीं उत्पादों से आपस में इंटरकनेक्टेड होके अब हम बाहर से अपने पर जो निर्भरता है वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं और जो भी हमारी चीज़ें हमें जिनकी ज़रूरत है उनका हम उत्पादन जनपद में ही कर रहे हैं। तो ये बेसिकली थीम है। अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद में भी हमारे बहुत से उत्पाद हैं जिनको हम बाहर से पहले कभी मंगाते थे लेकिन आज वो हम गाजियाबाद में ही बना रहे हैं। तो उस थीम पर चलते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके निर्देशानुसार इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए किस किस तरह के वो प्रोडक्ट्स थे जो पहले विदेशों से मंगाए जाते थे, खासकर चाइना से मंगाए जाते थे, लेकिन अब यहाँ ही पर बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहिए। देखिए, बहुत सारी मशीनरी पार्ट्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो हम पहले कभी जिस पर हम चाइना पर निर्भर थे, पूरी तरह से निर्भर थे, लेकिन आज की तारीख में ये सारी चीज़ें हम लोग खुद कर रहे हैं। चाहे वो पीपी किट की बात हो, चाहे N95 मास्क की बात हो, चाहे N95 मास्क बनाने की मशीनों की बात हो, चाहे आपके एयर प्यूरीफायर की बात हो या आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो, ये सारी ऐसे उत्पाद हैं, कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो मैंने आपको बताए, ये जो कभी हम चाइना पर निर्भर हुआ करते थे लेकिन आज की तारीख में ये सारे कंपोनेंट हम अपने गाजियाबाद में बना रहे हैं। अच्छा, एक सवाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि इनका पहले प्रशिक्षण दिया जाता होगा, लोगों को समझाया जाता होगा, लोगों को बताया जाता होगा और जिनके पास इनकी मशीन नहीं है उनको लोन भी दिया जाता होगा, तो इन तमाम चीज़ों को किस तरह से किया जाता है? जी देखिए, जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है तो हम लोग प्रशिक्षण के बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं, चाहे वो ODOP का प्रशिक्षण हो या विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का प्रशिक्षण हो। इस प्रशिक्षण के अलावा अगर किसी को अन्य तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है तो हमारे प्रदेश स्तर के भी इंस्टीट्यूट हैं जिनके माध्यम से हम उद्यमियों को नई तकनीक के बारे में बताते हैं, एक्सपोर्ट के बारे में बताते हैं, इम्पोर्ट के बारे में उनको जानकारी देते हैं और फिर इसके उपरांत अगर उनको किसी भी तरह के ऋण की आवश्यकता होती है तो हमारी 3 ऋण योजनाएँ हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है और एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना है। इन तीनों योजनाओं में पात्रता के आधार पर हम लाभार्थी को जो भी इच्छुक है उनको हम बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराते हैं और प्रदेश सरकार उन पर अनुदान देती है, तो हम इस तरह से उनकी बैंक की मदद करते हैं। बैंक की मदद के अतिरिक्त हमारी बाज़ार विपणन की भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हम जो उनके उत्पाद हैं उनके बेचने में भी मदद करते हैं और चाहे वो ODOP के उत्पाद हों या ODOP से इतर उत्पाद हों, अगर कोई उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज़, कोई आर्टिजन हमारे प्रदेश के या प्रदेश से बाहर या अंतर्राष्ट्रीय मेलों में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके लिए भी जिला उद्योग केंद्र उनको विभिन्न तरह से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
तो बिल्कुल देखिए, जहां एक तरफ पहले चाइना से चीज़ें मंगाई जाती थी, लेकिन अब दूसरी ओर लोकल फॉर वोकल से इस चीज़ का भी फायदा हुआ है कि लोग अब अपना आप ही उन चीज़ों को बना रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां लग रही हैं और लोग चाइना के बजाय अपने देश का ही जो मशीन है उसको उपयोग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बताई यहाँ पर संयुक्त आयुक्त उद्योग के अधिकारी वीरेंद्र जी ने। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।